दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पानीपत का ये लाल बत्ती चौक है। लाल बत्ती चौक को हम दिल्ली का जंतर मंतर कह सकते हैं, जहां धरने प्रदर्शन पॉलिटिकल एक्टिविटी और पुतले जलाए जाते थे। पर्यावरण भी खराब होता था, अच्छा भी नहीं लगता था देख के। शहर के कुछ युवाओं ने, मार्केट से जुड़े लोगों ने एक ऐसा अनूठा काम कर दिखाया कि हर आदमी पानीपत का गर्व कर रहा है। ये लाल बत्ती चौक का सौंदर्यीकरण हुआ है। आप देखिए, अशोक स्तंभ को राजस्थान से विशेष बने पत्थर से मंगाया गया और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। बहुत सारे लोग इनको बधाई दे रहे हैं। गौरव जी, आपकी कमेटी ने अनूठा काम किया जो पानीपत में शायद किसी के दिमाग में आया भी नहीं होगा और किसी ने पहल भी नहीं की होगी। बिल्कुल, इसीलिए हमने एक टीम बनाई थी जिसका नाम रखा हमने एक प्रयास। और एक प्रयास, ये जो टीम है ये पानीपत शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है। जैसे ये जीटी रोड का हमारा NH1 के नीचे का ये फ्लाईओवर बना हुआ है और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था भी इसने, हमारी एक प्रयास संस्था ने संभाली हुई है। और इसका जो भी सौंदर्यीकरण हो रहा है जिसमें ये सारे पिलर्स के ऊपर पेंटिंग है और ये सारी व्यवस्था हम ही संभाल रहे हैं। पानीपत को लोग गंदगी का शहर कहते थे, गंदगी के लिए पानीपत मशहूर था, एक्सपोर्ट के लिए भी। आज आपको फक्र हो रहा होगा ये जितना बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा फक्र हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रयास ने बहुत ज्यादा सफाई और सुंदरता के लिए प्रयास किया है और आने वाले टाइम में आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे। अग्रवाल जी, आप जैसे युवा लोग जो इस आइडिया को क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया कह रहे हैं कि पानीपत की खूबसूरती बाहर के लोग देखेंगे, कहेंगे कि पानीपत के बारे में उनकी राय बदल जाएगी। अब बिल्कुल हमारा उद्देश्य यही था कि कोई ऐसी चीज बनाए लोगों को एक खुशी हो कि भाई वो खुद बढ़ चढ़ के आ गया है कि हम भी कर सकते हैं। खाली एक प्रयास संस्था या एक विद्या वाटिका स्कूल ही क्यों कर सकता है, बाकी इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती है इस चीज से कि हम आगे आए और अपने शहर के लिए कुछ करें। आपके इस प्रयास को देख के, इस सुंदरता को देख के लोग शायद अपने गली मोहल्ले चौराहे भी चमकाने लगे आपकी तरह। मुझे तो यही उम्मीद है, जिस तरह हमारे भाइयों ने मिलकर इस लाल बत्ती चौक के जो चांद चांद लगाए हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सारा पानीपत, जितने भी हमारे बाकी चौक या चौराहे जितने भी हैं, उनको इसी तरह चमकाएं। अब आपके जब रिश्तेदार या जान पहचान के आएंगे कहेंगे आपका पानीपत तो खूबसूरत हो गया है। पानीपत जो सुंदर हुआ है ये पानीपत के नगर वासियों के सहयोग से सुंदर हुआ है और हमारी नगर वासियों से यही उम्मीद है कि हमें और सहयोग करो ताकि जो बाकी बचे हुए चौक हैं वो इससे भी अच्छे सुंदर हो सके, ताकि पानीपत में जो लोग बाहर से आए उनको दिखे कि हम वाकई में ही पानीपत, जो एक इतिहास में नाम है, उस पानीपत में गए हैं, गंदे पानीपत में नहीं गए। आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि देखो हमने कर दिखाया, आप भी कोशिश करो। लोगों को प्रेरित भी करेंगे और इसमें हम एक प्रयास जो संस्था बनी है, एक प्रयास संस्था निरंतर इस काम के लिए आने वाले दिनों में रेलवे रोड का यू टर्न भी करने जा रहे हैं, फिर संजय चौक की भी बारी है। ये हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा डीसी मैडम के आशीर्वाद से। जेंटलमैन, आप जैसे यंगस्टर्स प्रेरित कर सकते हैं, एक अच्छा काम हुआ है, आप लोग और कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को नमन करता हूँ और ये जो अशोक स्तंभ है वो प्रतीक यही करता है सत्यमेव जयते, तो बड़ी खुशी की बात है और हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के लिए, देश के हित के लिए जो जो कार्य हो सके, या हम और कोई मूर्ति भी लगा सकते थे, हम किसी का स्टैचू और भी लगा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ भारतीय प्रतीक लगाया जिससे हमारे अंदर मोटिवेट हो और सारे जवान मोटिवेट हो। आज के टाइम में पाकिस्तान हमारे साथ हमले की तैयारियां हो रही है, इससे हम पूरे अपने मोटिवेटेड हैं और साथ साथ हम सारे मिलकर बोले भारत माता की जय। पानीपत में जब राजनीतिक लीडरशिप कमजोर नजर आई, राजनीतिक लीडरशिप से लोगों की अपेक्षाएं पूरा नहीं हुई, तो कुछ सामाजिक लोग आ गए हैं जिन्होंने पहल की और उसका नतीजा आपके सामने है कि पानीपत का एक सबसे व्यस्त चौक है अब सुंदर चौक कहा जाएगा और सामाजिक लोगों ने वो काम कर दिखाया जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी विल पावर नहीं दिखाई। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, ब्यूरो।